ये हालात है किसान की, ये ठगी है किसान के साथ। ये लिखा है, ये तो सारा लिखा है, रेट भी लिखा है, आड़ती का नाम भी लिखा है, सारी पर्ची भी है। ये ठगी किसान के साथ है, ये ठगी हम नहीं होने देंगे। मैं बेटा हूँ, आज भी खेती करता हूँ, ऋषि दुख का मैंने पता था, यही कारण है कि मैं आज मंडी में आया। मैंने पता है किसान के साथ क्या क्या भेदभाव होते हैं। बरोदा हल्का से कांग्रेस विधायक बालू गोहाना की नई अनाज मंडी में किसानों की समस्या जानने के लिए पहुंचे तो बातचीत कर लेते। विधायक जी, नई अनाज मंडी में पहुंचे हो, किस प्रकार की क्या समस्याएं किसानों ने आपको? बड़ा दुर्भाग्य है, पहले किसान इन्होंने पीटा, आज अगर किसान की फसल की बात आई तो किसान की फसल को भी पीटने का काम ये सरकार करी है। बड़ी बड़ी बातें करी गई, किसान को MSP देंगे, MSP कहाँ देंगे? किसान तो यहाँ सुखाने में लगा दिया। मोटी जीरी की मैं बात करूँ, MSP की बात है, जो उससे 300-400 रुपये काट के उसका कटौती करके किसान की पेमेंट हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान के साथ ठगी नहीं होनी चाहिए, हम किसानों के साथ हैं। और आप देखोगे, आप किसी भी उसमें जाओगे मोटी जीरी, एक हफ्ता होगा किसान यहीं सुखाने में लग गया है, मॉइस्चर के नाम पर झूठ बोल के किसान को पैसा काटा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम किसान के साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी और हम सब कांग्रेस किसान के साथ हैं। किसान के साथ अगर कोई भी ठगी होगी उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसान की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, तत्पर हैं और रहेंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा करी थी कि वो 3100 से कम जीरी नहीं खरीदी जाएगी, पर रेट काफ़ी कम है। नहीं, आप देखो, मौके पर खड़े हो आप सारे पत्रकार साथी भी हो। आप अगर इसी जीरी की बात करूँ तो 2400, 2500, 101 ये भाव हैं जीरी के। कहाँ है जीरी? किसान वैसे मारा गया, फसल भी ठीक नहीं, फिर भाव भी ठीक नहीं, और फिर ठगी किसान के साथ करी जा रही है। ये बिल्कुल नाइंसाफी है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। लागत किसानों की लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि लगातार किसान घाटे में। आप देखो, किसान के हर यंत्र पर टैक्स लगाने का काम किया, दवाई पर टैक्स लगाने का काम किया। किसान की अगर कोई भी फसल की बात करी थी ना, 2022 में हम आय दुगने करेंगे, लेकिन कर्ज दुगना हो गया। आज भी किसान बड़ा दुख है, हमने जब किसानों की बात सुनते रहे मंडी में, आज में आया तो किसानों ने तरह तरह की समस्याएं बताई, बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन सरकार को चेताना चाहूँगा, या तो बाज आए, नहीं तो मैं कोई भी आंदोलन या कोई भी लड़ाई हमने लड़नी पड़ेगी तो हम लड़ाई लड़ेंगे। सेम नाम सैनी ने, जो BJP के नए विधायक चुने गए हैं, फरमान जारी किया था कि सभी विधायक मंडी में जाकर किसान की समस्या जाने समाधान कर। नहीं, मंडी में आए जरूर, गोवाणा से जो विधायक हैं भाई, किसान की एक बात उन्हें कोई रखी, किसान के साथ ठगी हो रही वो रोकी, किसान की फसल एक पराली है उसको जलाने बद 60-60 कई हज़ार रुपये जुर्माना लगा जा रहा है, किसान कहाँ लेके जाए? या तो सरकार उसका प्रबंध करे, किसान सरकार उठवा ले वो पराली, उसको भी जुर्माना लगा रहे हैं। जब किसान की फसल खराब हो, जल भरा हो, जब तो इन्हें बेरा नहीं लगता, जब तो इन्हें सारी बात नहीं बेरा रही है, उस ऊपर यंत्र दोबारा बेरा लग गया, अब फलाना किसान खेत में पराली जला रहा है। ऐसा क्यों किसान के साथ क्यों धोखा हुआ? इन्होंने हर वर्ग को, जो किसान की मैं बात करूँ, बड़ा आज किसान के साथ दुर्भाग्य है कि ऐसी इस प्रदेश की सरकार बनी, अब जो कि आज किसान के लिए ठगी, चाहे आप तोल की बात कर लो, इसमें आप मौसर का बहाना ले गए, 400-400 रुपये कुंटल की कटौती करी जा रही है, ना किसी जीरी का भाव है, आज 2400, 2500, 2500 रुपये जीरी का भाव बिक रही है, क्या है? किसान बिल्कुल मारा गया। हम किसान के, जो ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो किसान के साथ जो अन्याय हुआ, हम किसानों के साथ खड़े हैं पूरी कांग्रेस पार्टी। दूसरी बार बरोदे से विधायक बने हो, किसान के बेटे हो, विधानसभा सेशन भी आया होगा, तो किस प्रकार फिर किसान? बड़ी लड़ाई लड़ूंगा, किसान का बेटा हूँ, आज भी खेती करता हूँ, ऋषि दुख का मैंने पता था, यही कारण है कि मैं आज मंडी में आया। मैंने पता किसान के साथ क्या क्या भेदभाव होते हैं। मैं भी जब फसल बेचने आता हूँ, मैं आऊँ से मेरा भाई, हमने हर चीज़ का, हर बात का बेरा, मैंने भी खुद मंडी में आकर फसल बेची, मैंने वो दिन भी देखे। लेकिन आज जो किसान के साथ न्याय वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसान की विधानसभा की आपने बात करी, मैंने पहले भी विपक्ष में रहते किसान की बड़ी मजबूती से आवाज़ उठाई, चाहे कोई भी, चाहे फसल की बात थी, चाहे जल भराव की बात थी, चाहे MSP की बात थी, हमने तो फैसला करा था कि MSP गारंटी कानून देंगे। मैं तो मांग करता हूँ, जो BJP की सरकार हरियाणा प्रदेश में, आप MSP गारंटी कानून बनाए, हम आपके साथ खड़े हैं, हम सबसे पहले दस्तक। गारंटी की बात तो CM सैनी ने कही ना, नहीं कहा, कानून बनाओ ना, हम जब मानना सरकार को, जब वो कानून बनाई, अगर कोई भी व्यापारी, जैसे आज मॉइस्चर के नाम पर
फसल के रेट 300-400 रुपए क्विंटल प्रति काटे जा रहे, अगर कोई व्यापारी कोई अधिकारी उसके रेट से ज़्यादा खरीद है तो उसको जेल में भेजने का काम करे, वो MSP गारंटी कानून। हाँ देखो जी 2241 बताओ ये रेट, ये देखो ये हालात है किसान के, ये ठगी है किसान के साथ, ये लिखा है, ये तो सारा लिखा है, रेट भी लिखा है, आड़ती का नाम भी लिखा, सारी पर्ची भी है, ये ठगी किसान के साथ है, ये ठगी हम नहीं होने देंगे। और किसानों से भी कहना चाहूँगा, अगर कहीं भी आपने आपके बेटे भाई की ज़रूरत पड़े आप एक आवाज़ दे देना, भालू आपके द्वार आपकी मंडी आपके खेत में खड़ा मिलेगा।